चलो खैर चर्चा करते हैं, आ जाओ। अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ध्यान से देख, पहले अपन चर्चा करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने आजाद करा था? ईजाद करा था बेसिकली। इसकी खोज आई थी रदरफोर्ड मॉडल से। कहां से आई थी? रदरफोर्ड मॉडल याद है? अल्फा स्कैटरिंग वाला याद है कि नहीं? याद है ना, वो वाली अपनी उसकी चर्चा थी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अपन बात करें तो मास डिफेक्ट और ये सब आएगा उसमें। जो मास डिफेक्ट और अपन ये सब पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें आने वाली है अगर अपन ध्यान देंगे। सोचते हैं चलो भाई। अच्छा, अपन न्यूक्लियस के बारे में, अगर अपन एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या कहते हैं, हमारा एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हमारे एक न्यूक्लियस और उसके आसपास हमेशा मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो एटम का रेडियस होता है, इस रेडियस लगभग कितना होता है? रेडियस लगभग एटम का रेडियस होता है 10^-1 एंगस्ट्रॉम के आसपास में, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, 10^-10 मीटर, 10^-, लगभग ऐसा फिक्स नहीं बता रहा मैं आपको। पर जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है ये कितना होता है? 10^-15 मीटर। ये फेमटोमीटर में चलता है। और ये फेमटोमीटर जानते हो? पीकोमीटर क्या होता है? -12। नैनोमीटर? तो 10^-10 मीटर किसका रेडियस होता है? एटम का। ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट इसके कंपैरिजन में जो अपने ये न्यूक्लियस होता है इसका कितना? 10^-15। इस तरह की अपनी बातें होती है जो अपन एटम में कर रहे होते हैं। बेसिकली रदरफोर्ड साहब ने अपना जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री, और वापस इसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको, किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में, जो अपन वापस पढ़ाएंगे तब एटमोस्फेयर वगैरह इसमें सब में आएगा। तो अपन वहां पर ध्यान चालू करेंगे तब भी अपन जानेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग में क्या होता था। रदरफोर्ड, अरे ऐसे मत बोलो, तुमने सब पढ़ा हुआ है। क्या करते थे? क्या अल्फा पार्टिकल गिराते थे? क्या गिराते थे? और देखा था कि अल्फा, और बहुत थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल लेते थे, बहुत थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल लेते थे, उसमें से मैक्सिमम पार्टिकल्स निकास होते। हम बोलते थे कि अस्तित्व में एटम की मैक्सिमम जगह खाली है, एटम की मैक्सिमम जगह वहीं से हमें पता पड़ा था कि एटम ऐसा है। और बहुत 10,000 या 1,00,000 में से कोई ऐसा होता था जो वापस ब्लड के आता था, मतलब क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल था। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो अस्तित्व में वो जब जाके वापस आया तो हमें पता पड़ा कि अस्तित्व में मैक्सिमम तो ऐसे ही चले गए। जब ऐसे ही चले गए तो हमें पता पड़ा कि मैक्सिमम जगह खाली है, तो हमने उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए माने। और हमें लगा कि बहुत कम जगह ऐसे जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, उसे हमने क्या माना? न्यूक्लियस। क्या माना? पक्की बात, उसे हमने क्या माना? न्यूक्लियस। बेसिकली ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में अस्तित्व में, न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस, और बाहर जो घूमते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1×10^-31 kg। और इसका चार्ज कितना होता है? -1.6×10^-19 कूलम। बोलो क्लियर? ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67×10^-27 kg। देखने में गलत याद नहीं हो मेरे को, इक्वल टू 1.6×10^-19 कूलम। बोलो क्लियर है? मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग ऐसा ही होता है, लगभग अस्तित्व में थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली, तो अपने को सुखास फर्क नहीं पड़ता। और चार्ज कितना होता है? जीरो। चार्ज क्या होता है? जीरो। ये अपने बेसिक तीन कंपोनेंट है। और प्रोटॉन और अपने ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं? यहां पे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं? यहां पे रहते हैं। कोई बुरे वाली बात नहीं है। चलो भाई यहां पे रहते हैं। और ये 10^-15, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड ए, एक्स दिस शोज व्हाट? एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? एटॉमिक नंबर मींस व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मान लो कि मैं किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूं, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्या चेंज आएगा? इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यहां पे कोई फर्क? अगर आप हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो क्या यहां जेड की वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी? नहीं। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। बहुत बेसिक बात है, सिंपल। ए क्या चीज है? मास नंबर। क्या चीज? क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? आई थिंक 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 आई थिंक
रिएक्शन में हो सकता है, क्यों होता था 63.5? वो आइसोटोप्स का, समझ में आ रही बात? अरे हाँ ना बोल। ठीक भैया, अच्छा भाई ये बात समझ में आती है, मास नंबर है, नॉट पॉसिबल इन्फेक्शन। अब जो अपन पढ़ते थे वो क्या चीज थी, अभी समझते हैं उसको, नॉट पॉसिबल इन्फेक्शन। इसको कभी बोला हूं क्या मैं कुछ? आज तक कुछ बोला हूं क्या? शायद एक बार बोला हूं, मुझे ऐसा याद है कभी बोला। क्या चीज रिप्रेजेंट करता है ये? नहीं। अच्छा, जो अपने एटम का मास होता है, जो अपने एटम्स के मास होते हैं वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं? एएम। किसमें? जानते हो आप सब लोग, आपका ज्ञान टेस्ट हो रहा है, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा इसमें, बल्कि आप मुझे रेक्टिफाई करोगे, ध्यान देखना, मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कुछ कुछ, पर ये बात समझ ले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसमें सवाल पक्का आएगा। रेडियो एक्टिविटी और जो पढ़ाऊंगा ये दो लेक्चर या तीन लेक्चर मैक्सिमम है ना, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, सवाल डन तय है। पर आप सब पढ़ चुके हो, मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ चुके हो ना, स्टेबिलिटी कर्व, अल्फा डीके, बीटा डीके पढ़ चुके हो ना, वही सब फिजिक्स में भी है, उसमें कुछ भी नया नहीं। कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने फील कीजिए, कहीं मिलाना हो तो मिला दूंगा, बाकी कोई कुछ भी नया नहीं। कुछ भी नहीं है मतलब, बल्कि रेडियोलॉजी में तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो अपने केमिस्ट्री में, तो मैं तो कुछ भी पढ़ाऊंगा, ए से बी, बी से सी, सिंपल पढ़े वाले रेडियोलॉजी पक्का सवाल मिलेगा। आपको तो शायद केमिस्ट्री भी पढ़ा ए से टू बी, ऐसा हुआ है क्या आपको? फिजिक्स में तो ए से बी, बी से सी भी बहुत बड़ी बात है, खाली ए से बी पी बात हो रही होती है बस, माइनस जी एन बाई डी टी जिसे अपन लॉ कहते हैं, कौन सा? रेडियोलॉजी फर्स्ट लॉ। अरे फर्स्ट आप कैनएमडीसी फर्स्ट इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस खत्म। खैर, वन एएमयू एक्चुअली एक नई यूनिट लाई गई, क्योंकि एटम का मास बहुत छोटा होता है कि बहुत बड़ा, नहीं आया, बहुत कम होता, बहुत कम। तो पहली बात वो कैसे नापा गया मैं आपको बताता हूँ। ऐसे समझो, ऐसे बोला गया कार्बन एटम लो, क्या लो? कार्बन एटम लो, उसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? अच्छा बताओ, कोई भी एटम लोगे, क्या लोगे? कोई भी एटम, तो उसमें किसका मास होगा? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, या तीनों का? तीनों का। पर किसका काउंट करो तो बात बन जाएगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बोलो क्लियर है एकदम उनका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू, अगर आप बहुत ध्यान दोगे तो आपको यहां पर से एक बात समझ में आ जाएगी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, यस और नो? तो अगर आप एटम का मास नापते हो तो बेसिकली वो किसका मास होता है असलियत में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके न्यूक्लियस का जो मास है उसी से हमें ज्यादा मतलब होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उसी के मास से हमें ज्यादा मतलब होगा। ठीक भाई, अच्छा ठीक, इसलिए अपन हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं और एटम की बात करते हैं। वन एएमयू डिफाइन करा गया सिंपली, वन एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो कार्बन 12 के एटम में, एटम में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, उन्हीं का मास होगा, उन्हीं का और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या बराबर है? तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, देख, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन सिक्स टाइम्स बाय 12, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली, बोलो क्लियर है एकदम? तो आप बहुत ध्यान दोगे, अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा गया जोड़ दोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन, अरे यार प्लस लिखने वन एमयू इज नथिंग, इट इज बेसिकली 27 केजी, तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गया। वन एएमयू इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁷ केजी, बोलो क्लियर है एकदम? बहुत छोटी सी चर्चा, एकदम बहुत छोटा सा, एकदम बिल्कुल सिंपल। तो वन एएमयू इक्वल टू 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब यहां पे हम वापस आते हैं, अगर मान लो मैं आपको बोलूं जैसे 2He4 हीलियम न्यूक्लियस, इसमें कितने प्रोटॉन? न्यूट्रॉन दो, पांच, तो इसका मास कितना होगा? 4 न्यूट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन, तो 4 1.67 × 10⁻²⁷, बोलिए सो नो केजी में, तो एएमयू में कितना? 4 एएमयू। तो अगर मैं बोल सकता हूं मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम कितना है? 4 एएमयू। अरे कितना है? कितना है? अच्छा, एक मोल हीलियम, एक ग्राम हीलियम का मास कितना होगा? सॉरी, एक ग्राम नहीं, एक मोल, वो कैसे आया? कैसे आएगा वो? कैलकुलेशन आती है तुम्हें वो?
तो फिर वो फोर ही आएगा वापस। देख बार देख लेते, मास ऑफ वन मोल ऑफ हीलियम एटम, ध्यान से देखें, एक एटम का मास कितना है, 4 × 1.67 × 10⁻²⁷, बोल यस और नो, के जी इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻²³, बोल यस और नो, ध्यान देख तो 10⁻²⁰, 10⁻²³ के 10⁻⁴ और 1.67 × 6.023 10 अप्रोक्सीमेटली, देख 1.67 × 6.023 10 अप्रोक्सीमेटली, देख देखे ना, तो 10 × 10⁻⁴ के 10⁻³, यानी कि मास आया 4 × 10⁻³ kg, विच इज क्या 4 ग्राम, विच इज 4, बेसिकली हाँ 4 ग्राम, क्या चीज, अब बस समझ आखिर में ये रिप्रेजेंटेशन ये बहुत सारी चीजें बताता है, आप ध्यान समझे, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, अगर ये एटम न्यूट्रल है तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे हाँ ना बोल, A मास नंबर, क्या चीज, AMU मास ऑफ वन एटम, A ग्राम मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ, तो ये बहुत सारी चीज दिखाता है हमें, ये रिप्रेजेंटेशन, A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, असलियत में जब भी किसी को रिप्रेजेंट करना हो ना, अगर ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब ये न्यूट्रल है, अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो यहाँ प्लस या माइनस लगा देंगे, अरे नहीं आया, जैसे मान लो मैं अल्फा न्यूक्लियस की बात करूं तो असलियत में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 2He4 2+, अरे यार 2He4 इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो असलियत में सब कुछ देता है, ये बहुत सारी चीज देता है आपको, जो एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप एक्स जेड ए जो भी कहते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन, कितना उनका मास है, ए एम यू एक एटम का मास, ए ग्राम एक मोल का मास, तो ऊपर वाली चीजें काफी सारी चीजें थी, बोलो क्लैरिटी की एकदम यार, हाँ ना बोल, सोच लो, तो बेसिक बेसिक ज्ञान है जो हमें एक न्यूक्लियस के बारे में पता होना, न्यूक्लियस की खोज हुई थी रदरफोर्ड साहब, लिख लेना, न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के वहां से उस एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी, फिर अपन ने ये करा था, अरे हाँ ना बोल, उतार ले सब कुछ, तो एक तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर ये जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस के बारे में, किसके बारे में, और ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अपन, अब जैसे मैंने पूछा था भाई ए मास नंबर जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है तो नहीं हो सकता है, तो अपना आंसर क्या है, नहीं हो सकता, पर हमने कुछ तो एटॉमिक वेट पढ़ा है, वो क्या फ्रैक्शन में होता है, जैसे 63.5 किसका होता है, कॉपर का, किसका होता है, तो ऐसे कैसे आ जाते हैं, वो आइसोटोप्स का एवरेज है, आइसोटोप्स का एवरेज है, क्या है, एवरेज, मैं आपको इलस्ट्रेशन देखता हूं, ध्यान सुनना एकदम, देखो ध्यान से, मान लो कार्बन 6C12 और कार्बन 6C14, बोलो क्लियर, एक है ना, एक कार्बन 6C14 एंड 7N14, ये दो चीज और ये दो चीज, और एक 6C14 और एक 8O16, हाँ, ये क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स, इनमें क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, डेफिनेशन लिखाने की कोई खास जरूरत नहीं, बेसिक सी बात है, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम, सेकंड इलस्ट्रेशन किसका है, आइसोबार आइसोटोन और लास्ट वाला आइसोटोन्स, गुड, ये आइसोटोन्स तो तुम्हें पता है, इसमें खास बात नहीं है, इसे आइसोटोन्स कहते हैं, इनमें क्या सेम होता है, सेम न्यूट्रॉन्स, और ऊपर वाले में आइसोबार्स, इसमें क्या सेम होता है, सेम मास नंबर, उतार लो जल्दी से, ये सब लोग तुम जानते हो टर्मोलॉजी है, हाँ भाई, उसके बाद तुम्हें पता हो तो एक अंदाजा लगाया गया था
न्यूक्लियस के रेडियस का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कुछ पता है आपको? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के रेडियस का आर, आर नॉट ए की पावर 1/3, कुछ याद है? और आर नॉट के लिए क्या होती है? 1.8×10⁻¹⁵। फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका रेडियस है? फॉर्मूला है आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, आर नॉट इज अ 1.8×10⁻¹⁵। ए क्या है? मास नंबर। क्या है? मास नंबर। क्या है? मास। एज इट इज रख देंगे बस उसको। आर बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3 इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। यहां से फिर डेंसिटी वेंसिटी का आइडिया लगाया जाता है। देख कैसे, यहां से देख, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है आर बराबर आर ए 1.8×10⁻¹⁵ ए की पावर 1/3। तुम शीट नहीं लाए, नहीं तुम्हें काफी सारी चीजें तुम्हें शीट से ही पढ़ा सकता था, लिखा रखता हूँ कि ठीक है। ये मेरे सबसे कमीशन में लिखा था कि लिखा होगा, बोला इसमें सवाल आ सकते हैं। कैसे सवाल आते हैं बताता हूँ आपको, कि रेडियस ऑफ हीलियम इतना है तो बताओ रेडियस ऑफ लिथियम क्या होगा, रेडियस ऑफ लिथियम हीलियम इतना है तो बताओ रेडियस ऑफ लिथियम। फॉर्मुला का रेशियो लेना है, कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल कोर्स में कहानी चलती है, ठीक है। आर बराबर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मुला है, क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी आ सकता है सवाल, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। साइंटिस्ट अस्तित्व में फॉर्मुला आया, अस्तित्व आप पढ़ोगे ना तो एक अच्छी किताब है आर्थर बीजर, आर्थर बीजर सुना होगा तुमने, मॉडर्न फिजिक्स जैसे हमने पूरी पढ़ी आर्थर बीजर है, टैब में है, बहुत शानदार किताब है। खैर तुम्हें कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, मैंने भी दो एक बार ही पढ़ी है वो, मॉडर्न फिजिक्स रियलिटी में बहुत अच्छी किताब है आर्थर बीजर। तो उसमें रियलिटी में बताया हुआ कैलकुलेशन कहां से आती है, आती वहीं से ही है, अपने रदरफोर्ड के पूरे मॉडल से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे जाती है। कोई जरूरत नहीं, स्टाइल मार रहा हूं तो मुझे ज्यादा आता है, कोई जरूरत नहीं एकदम, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था क्या कभी? वो साइन 1/4 थीटा बाई टू वो बताया होगा थोड़ा बहुत, ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेशन होती है वो, भयानक, पूरी सॉल्व करके लाते हैं। केमिस्ट्री में कराते हो नहीं जी? हाँ फॉर्मूला ही बताया होगा वो, ये बताया होगा कि भाई जो डेविएशन है वो 1/sin⁴ थीटा, कितने एंगल पे कितने चार्जेस पार्टिकल डेविएट हुए वो 1/sin⁴θ/2, वो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, पूरे कैलकुलेशन दिखाते हैं, फिर मिनिमम क्लोजेस अप्रोच से सारी चीजें भी निकालते हैं कि रेडियस का आइडिया हमें कैसे लगा। जब हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा था हमें रेडियस का आइडिया ऐसा लगा, खैर उससे साइंटिस्टों ने बहुत काम की बातें करी। आर ए 1.8×10⁻¹⁵ ए की पावर 1/3, उन्होंने क्या करा डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी क्या चीज है, कोई भी अपना न्यूक्लियस है, क्या है अपना कोई भी न्यूक्लियस। अब मान लो उसका जो मास नंबर है तो इसका मास कितना होगा, टोटल मास, ध्यान सोचो इसका मास असलियत में होगा, ध्यान देखो तो ए इंटू ए इज द मास नंबर, ए एम यू सोचे देखो तो कितना, ये अपन ऐसे समझे तो ए इंटू 1.67×10⁻²⁷ kg, अरे यही तो मास हुआ है। अच्छा तो डेंसिटी कितनी हुई, डेंसिटी कितनी हुई, क्या मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन तो ए इंटू 1.67×10⁻²⁷ अपॉन वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³, 4/3 और आर क्यूब का फॉर्मूला वो रहा, तो क्या लिखेंगे 1.1×10⁻¹⁵ का क्यूब इंटू ए, इंटू ए ने एगो, ए ने एगो, और ये ने एगो, ओ 4/3 π, आप सोच ये लगभग 10⁻¹⁵, ये 45 × 27 जाएगा तो 18 10⁻¹⁸ और फिर 1.7 × 4/3 × 1.67 इज लगभग ये 5 के आसपास, अरे 5 के आसपास ना, और ये 4×3=12, 13×14 के आसपास, तो 5/13×14 15 तो 1/3 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻¹⁷ kg की रेंज में आता है kg/m³। अरे यार, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। सोच अगर रियलिटी में अगर इतना खाली नहीं होता एटम इतना, तो तू शायद एक ब्लॉक को भी नहीं उठा पाता। 10⁻¹⁷ kg/m³, सोच रहे 10⁻¹⁷ kg, 1 m³ मतलब इतना बड़ा बॉक्स, अरे 1 m इतना ही तो होता है यार, सोच इतना बड़ा 10⁻¹⁷ kg वेट होता उसका, इमेजिन कर 10⁻¹⁷ kg। इसी थ्योरी पे बहुत सारी चीजें आगे चल भी रही है, इसे कहते हैं ना जो ब्लैक होल टाइप्स हैं, वो हो सकते हैं इस डेंसिटी के हों।
तो उनका ग्रेविटेशन पुल इतना, ऐसे नहीं कहते ब्लैक होल छोटे से होते हैं फिर भी सब कुछ साला लाइट भी स्किप नहीं करती वहां से, है कि नहीं? तो अपने ऐसा नहीं कह सकते कि वैसी डेंसिटी हो नहीं सकती, हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है यार, तो इसलिए हम इसलिए उठा पा रहे हैं कि इतना छोटा है, ब्लड डेंसिटी बहुत ज्यादा है और हमारे एटम की मैक्सिमम स्पेस खाली, इसलिए हम चीजें उठा पा रहे हैं, वरना आप एक मीटर क्यूब को भी उठाते, 10-20 स्क्रीनें आती तो उठा पाते शायद उसको, 10^17 kg, मतलब कितने टन भगवान जाने, अरे यार कितने लाख टन पता ही नहीं कौन सा टन कैसा टन अरे क्लैरिटी है, अरे पक्की बात, उतना हैवी है वो, उतना हैवी है वो, है कि नहीं? तो बेसिकली ये आपको समझने की कोशिश करिए कि हमें इस तरह से महसूस होता है कि असल में एटम में इतनी सारी जगह खाली है, इसी पर रिसर्च चल रही है बहुत आज, जो अपने नासा वासा के साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हैं उसे बहुत सारी चीज चल रही है, ब्लैक होल पे क्या है पता नहीं भगवान जाने, और जितना नासा वासा जितना हमें बताता है, जो हम बताता है उसे हम बहुत फैसिनेट करके सुनते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट जो वो जानते हैं शायद वो भी बहुत कम, क्या शायद कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है जो हमें नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में, सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बट ठीक है। तो डेंसिटी इतनी ज्यादा है, आपको समझना पड़ेगा कि डेंसिटी न्यूक्लियस इज वेरी हाई, डेंसिटी न्यूक्लियस इज वेरी हाई, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसके अंदर बहुत कुछ हुआ तब ये डेंसिटी आई, जिसे हम बाद में मास इफेक्ट के नाम से जानेंगे, किस नाम से, क्यों ये पास आया, बहुत अच्छा इसका मतलब, और इतने कम रीजन में डेंसिटी, इसका मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत पास पास है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी बहुत पास पास है, सोच इतने पास पास प्रोटॉन है फिर भी स्टेबल है, जबकि उनमें कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन, कौन सा लग रहा है, फिर भी वो क्या है, स्टेबल, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, वो उतार लो, देख लेना कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा होती है पर डेंसिटी ऑफ मटेरियल इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, क्योंकि एटम की मैक्सिमम स्पेस खाली होती है, अगर इतनी होती तो हम उठा ही नहीं सकते थे, है कि नहीं? इतने माइक्रो लेवल पर जाके जो हमें साइंटिस्टों ने बताया है वही हम याद रखना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जो उन्होंने बोला हमें मानना है और रटना है उसको ध्यान से देखे, हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस, छोटी सी चर्चा ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस, छोटी चर्चा ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस, हमें बात समझाई गई कि अगर हमारा न्यूक्लियस हमें बात समझाई गई कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स भी हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं? उसमें प्रोटॉन्स भी और उसमें न्यूट्रॉन्स भी, पर बहुत पास पास है, कौन? अब हमें बात समझ नहीं आई साला पहले कि असलियत में यार ऐसा कैसे है कि प्रोटॉन इतने पास पास है तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है, कौन सा, K²/R², फिर भी वो स्टेबल है। तो साइंटिस्ट ने कोई भी कुछ तो होगा ही, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पाया गया कि एक और फोर्स होता है, हमारे चार जो स्टैंडर्ड फोर्सेज जो हमने पढ़े थे वो थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म वाला, ग्रेविटेशन वाला, कौन सा, और थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो एक और इसे मतलब बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, क्या बोलते हैं, आप उस फोर्सेस के बारे में इतना, उसकी कुछ कुछ एक्सप्रेशन तेरे को याद हो ना, मैं जरा बताऊं, प्रश्न नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक सवाल था F = CE^(-K/R²) टाइप्स, देखना प्रश्न नंबर 13 एच सी वर्मा प्रश्न नंबर 13 है जो आपको दिख जाएगा, 13 या 14 होगा मेरे हिसाब से, जो कोई ऐसा है जिसमें एक्सप्रेशन दी, देख तो कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डायमेंशन का सवाल था उसमें, मैंने बोला भी था तब शायद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किताब खोलने में इतनी देर लगती है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई सा भी हो, कौन सा है, 15 F = हाँ, उसमें एक एक्सप्रेशन दी होगी F = CE^(-K/R²), ऐसे दिए क्या, देख तो ऐसी दी है ना, उस तरीके का कोई घटना नहीं तुम्हें, F = CE^(-K/R²), इस तरीके का फोर्स होता है, एक्सपोनेंशियल फोर्स है, क्या दिए, KR/R², ऐसे दिए, फिर उसमें फोर्सेस फोर्सेस पूछे हुए, तो एक्सपोनेंशियल की टर्म आती है उसमें कुछ, तो जो एक्सप्रेशन हमने किसी काम की नहीं उसमें सवाल पूछा हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में,
असलियत में बोला गया कि एक न्यूक्लियर फोर्स का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस का, है ना। इसे रट्टा मत, पहली बात ये एक्सप्रेशन भी कोई 100% प्रूफ फुल प्रूफ वो छोटा सा पार्ट है उसका एक पर्टिकुलर केस के लिए। ये भी और टर्म्स के साथ जुड़ी होती है, जैसे रखना मत बिल्कुल ऐसे कोई 100% वो इक्वेशन नहीं है। तो एफ बराबर तुम मत ही लिखो, गलत रट लोगे, नहीं तो बोलोगे सर ये एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं। एक न्यूक्लियर फोर्स है जो अट्रैक्टिव है। कैसा है? अट्रैक्टिव। न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, जो अट्रैक्टिव इन नेचर है। अच्छा किसमें अट्रैक्टिव है वो? अट्रैक्टिव नेचर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स कौन कहलाते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये सब न्यूक्लियॉन्स। वो कहता है कि ये अट्रैक्टिव नेचर है और ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, इसे चार्ज वार से कोई लेना देना नहीं। ये दो, ये इसमें भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगता है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगता है और ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगता है। बोलो क्लियर है? पर ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, ये बहुत शॉर्ट रेंज होता है। कैसा होता है? शॉर्ट रेंज का मतलब अगर जैसे ही दूरी ज्यादा होगी, इसको हम जब मान लो आप समझ लो कि अगर मैं इसे 10^-5 एंगस्ट्रॉम लेवल पे भी ले आऊंगा पार्टिकल्स को तो भी ये काम, ये 10^-15 की रेंज में जब आप जाओगे तो ये काम, और तब बहुत जबरदस्त करता है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। सिग्निफिकेंट फॉर रेंज, ऐसा किताबों में अच्छी किताबों लिखा मिलेगा आपको। सिग्निफिकेंट फॉर रेंज लेस देन 10^-14 मीटर, 10^-14। तो जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज क्या होती है? 10^-15, उससे कम होता भी सिग्निफिकेंट होता है वरना सिग्निफिकेंट। उसके बाद फिर हम सिर्फ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन वाले फोर्सेस को अपन काउंट करते हैं। बोलो क्लियर है? तो शॉर्ट रेंज फोर्स सिग्निफिकेंट फॉर रेंज। अब रियलिटी में बहुत सारी चीजों पर और पर भी डिपेंड करता है। स्पिन, तुम्हें बता दो, तुमने न्यूक्लियस का स्पिन पढ़ाया शायद, केमिस्ट्री में बोलते कहीं पे पढ़ाया था क्या स्पिन क्वांटम? बोला था क्या कुछ कुछ? उन चीजों पर भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन कैसे स्पिन कर रहा है, उन पर भी बहुत सारी चीजें होती है, आधा उसमें जाता है आधा इसमें जाता है, कुछ नहीं। अपन इतना ध्यान रखें, शॉर्ट रेंज फोर्स सिग्निफिकेंट फॉर रेंज दिस, और अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसी नेचर? और शॉर्ट रेंज, शॉर्ट मतलब शॉर्ट रेंज फोर्स है। अच्छा दो बातें तो अपन ये सीख गए, अट्रैक्टिव होता है, इसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है पहली बात, वरना प्रोटॉन प्रोटॉन का इतना पास रहना पॉसिबल नहीं है। ये पास क्यों रह पाते? क्योंकि यहां पे कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है? सो व्हाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विच इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। अच्छा इसमें और चीजें बातें चीजें बोली जाती है। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं किसके बीच में, ध्यान देखो, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्सेस लगेंगे? कौन से लगेंगे? न्यूक्लियर। अच्छा अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? न्यूक्लियर। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा लगेगा? ये न्यूक्लियर, ये भी लगेगा और कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगेगा यार, हाँ ना बोल। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस किसमें ज्यादा है, तो आप बोला जाएगा यहां पर देखा आंसर देखे, नेट फोर्स के बारे में चर्चा करी जाए तो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बट इज स्लाइटली ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तुम्हें समझ नहीं आया क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेट फोर्स बिटवीन किस किस में क्या क्या है, आप समझो। तो किसमें फोर्स सबसे ज्यादा है? न्यूट्रॉन 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 में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में सिर्फ कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स, जो बराबर माना गया है, कोई बुराई वाली बात नहीं। और प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या दो फोर्स आ रहे हैं? कौन से? एक न्यूक्लियर फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको उसको थोड़ा सा कम माना गया है। तो अपने को इसे अपन बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल। मान लो आप एक प्रश्न लिखो व्हाई न्यूक्लियस इज, तो आप ऐसा हेडिंग डालना चाहो तो व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल, व्हाई न्यूक्लियस इज स्टेबल। अब उसका आंसर लिखो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। बोलो क्लियर है एकदम? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, बहुत बढ़िया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज और ये सब उतार डाले,
जो मैंने बोर्ड में लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, ये सब उतार डालो, और कुछ आपको समझ में आए तो लिख लो। अरे हो गया क्या? तो ये अपने न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण की वजह से ऐसा होता है। अच्छा ठीक भाई, कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? पहली बात, अगर आप ऐसा समझो कि अगर मैं प्रोटॉन को बहुत पास ले आया, प्रोटॉन को बहुत पास ले आया, और अगर ये अनंत दूरी पे होते, कहां पे होते? अगर ये अनंत दूरी पे होते रियलिटी में, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती, वो होती के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर इन्फिनिटी होता है तो जीरो को टेंड करती, किसको टेंड करती? पर आप इसे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पास ले आए, तो आर बहुत कम हो गया, आर बहुत, तो एनर्जी बहुत बड़ी घटी। तो बहुत बड़ी में कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? इसका मतलब कोई और ऐसी एनर्जी थी जो घटी, और कोई एनर्जी थी जो नहीं आया, और कोई एनर्जी थी जो, चाहे वो न्यूक्लियर की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो भी होती हो, अगर स्टेबल है, अगर कोई भी ऑटो मोड में स्टेबल तभी रह सकती है जब उसकी एनर्जी कम होती है, वरना इसका मतलब कोई तो एनर्जी थी जो कम हुई। अच्छा, तो फिर एनालिसिस करी गई, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो क्या पाया गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, क्या कहते हैं? फिर उससे आएगा डेल्टा एमसी स्क्वायर, क्या आएगा? नहीं सुना? सुना है ना? और मास डिफेक्ट क्या चीज है वो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी अपन एक बार और ढंग से पढ़ते हैं। हमने क्या पाया वो मैं आपको बताता हूं। हमने पाया कि मान लेते हैं कि हमारा ये कोई न्यूक्लियस है, क्या है? कोई, जिसमें मान लो हमने बोला ए मास नंबर है, क्या है? ए मास नंबर है, और न्यूक्लियस है हमारा शानदार, ए मास नंबर है। इसका मतलब मान लो ऐसा इसका न्यूक्लियस है एक्स जेड ए का, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है? ए माइनस जेड, कितने? ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स है और जेड, तो इस न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली, मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे? सोच के देखो, क्या लिखेंगे? ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड मास ऑफ प्रोटॉन, यस और नो? ऐसे तो लिखेंगे यार। तो किसी ने बोला प्रैक्टिकली कैसे निकाले? प्रैक्टिकली हमने क्या करा, ऐसे समझो कि एक मोल मास नापा, कितना मास नापा? एक मोल में 6.023 क्या है एटम्स, तो बेसिकली एक एटम का मास आ गया। किसका मास आ गया? एक एटम का मास आ गया। एक एटम का मास का मतलब बेसिकली एक एटम के मास में से किसके मास माइनस कर दें? किसका मास माइनस कर दें? इलेक्ट्रॉन्स का, अगर एग्जैक्ट निकालना है तो। एक एटम के मास में किसका मास माइनस कर दें? तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली हमने वैसे निकाला, ये तो थ्योरेटिकल था, है ना? हमने प्रैक्टिकली कैसे निकाला बताता हूं आपको। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम को हमेशा बड़े एम से डिनोट करूंगा मैं, किससे? बड़े एम मतलब मास ऑफ एटम, क्या चीज? कंफ्यूज होते ना बिल्कुल, छोटी छोटी बातें, मास ऑफ एटम। मैं फिर क्या चैप्टर में मेरे ऐसा कुछ आपको क्रांतिकारी लगे, मैंने बहुत खास बात बताई, तो कुछ आपको अलग चीज बताऊंगा वो एक अलग बात, बट प्रैक्टिकली इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी? 1.7 × 10⁻¹⁹, बच्चा कैलकुलेशन में एरर करता है, पड़ता है कि एक सवाल मास डिफेक्ट है यहां से कहीं से आने वाला डेल्टा एमसी स्क्वायर से और एक रेडियोएक्टिविटी से, ये तय है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपको कम से कम, जिसको मैं कह रहा हूं मैं 2-3 लेक्चर में पढ़ा दूंगा, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है, आप ही का सब कुछ रोल है उसमें, बार बार कह रहा हूं, एक कम से कम जेई मेन और जेई एडवांस मिला के कम से कम कह रहा हूं आपको 4 से 5 सवाल, कितने? कम से कम कह रहा हूं मैं आपको, ज्यादा भी मिल सकते हैं जेई मेन और जेई एडवांस मिला के। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने दिन पढ़ाई, ज्योमेट्री कितने दिन पढ़ाई, फिर भी 5 मिले गारंटी, इसमें गारंटी ले रहा हूं पक्का, 4 से जेई मेन और जेई प्रैक्टिस ढंग से करनी है, कैलकुलेशन है हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आज भी प्रैक्टिस करनी है, मैं पहले बता दूंगी बात अच्छे से। खैर, हम वापस ट्रैक पे आते हैं। तुमने मास ऑफ प्रोटॉन के लिखा हुआ, मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एटम माइनस जेड टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्रैक्टिकली, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सॉरी मैंने क्या करा है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन मत समझना, क्या ये मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली, मास ऑफ न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली है ये, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली, बोलो क्लियर है एकदम? ठीक भाई, जो प्रैक्टिकली निकाला वही थ्योरेटिकल से मैच होना चाहिए था, पर ऐसा असलियत में हुआ नहीं। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड दैट, कौन ज्यादा आया?
कौन ज्यादा आया? थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकल की प्रैक्टिकल? थ्योरेटिकल ज्यादा आया और प्रैक्टिकल जो हमने जोड़ा था उससे तो ये कंक्लूजन निकल आया, समझ न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास निकल जाता है, कुछ मास पर मास कैसे निकल सकता है? मास निकलता तो हमें दिखता। अरे यार वो किस फॉर्म में निकलता है? एनर्जी। और वो आइंस्टीन की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहां से? इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, मतलब मास एनर्जी लेके निकलता है और एनर्जी निकलती है इसलिए स्टेबिलिटी आती है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आया, आया। बोलो चमका। तो वो एक्सप्लेनेशन मिला हमेशा है। तो वी फाउंड दैट मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली, वी फाउंड दैट। अरे यार हाँ ना बोल। एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज मास डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज नोन एज मास डिफेक्ट। अरे तुम्हें नहीं आया? आया। और उसे बोलते डेल्टा एम। क्या बोलते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्या बहुत बड़ा होगा बहुत छोटा? अरे मास ऑफ न्यूक्लियस ही बहुत कम होता है भाई, उनमें भी साला कुछ डिफरेंस, उनमें भी साला तो ये चलता है 0.001 AMU, 0.0014 AMU ऐसे डिफेक्ट आते हैं। एएमयू का मतलब 1.67 × 10⁻²⁷ तो डिफेक्ट वैसे क्रांतिकारी नहीं होते साहब, बहुत ज्यादा है, पर ये रिलेटिव ऐसे होते हैं। ठीक, तो ये मास डिफेक्ट बहुत कम होते पर ये होते हैं और यही बताते हैं कि असलियत में इससे व्हाट वी हैव कंक्लूडेड जब हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करा उसका कंक्लूजन ही निकला कि व्हेन, क्या चीज, व्हेन न्यूक्लियस फॉर्म्स, न्यूक्लियस सम मास कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गिव्स स्टेबिलिटी टू द वो एनर्जी कितनी है? दैट कम्स फ्रॉम द आइंस्टीन फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। उन्होंने क्या बोला था कि हर मास के साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में, ऐसा उन्होंने बोला था। और जो शक्ति दी गई हद तक मतलब जो काम पढ़ते हैं उसके हिसाब से, तो हमने बोला इक्वल टू एमसी स्क्वायर तो इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर इज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यूएस के बनते वक्त इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर एनर्जी आई। बोला आई कि नहीं आई यार? एनर्जी मिल रही डेल्टा एमसी स्क्वायर। अच्छा अब डेल्टा एम ध्यान देखना, क्या क्वेश्चन, सी क्या है? 3×10⁸ मतलब कितना हो गया ध्यान से देख, 9×10⁙। बोलो क्लियर है इधर? अभी डेल्टा एम जो है ध्यान सुनना, ये डेल्टा एम जो है ध्यान सुनना अच्छे से, तो अगर अच्छे से समझ में आए डेल्टा एम सी स्क्वायर ही 9×10⁻ डेल्टा एम अपन किसमें लिखते हैं जनरली? नहीं यहाँ पे डेल्टा एम सी स्क्वायर जब एनर्जी में लिखे तो डेल्टा एम किसमें लिखे? बेसिकली इट्स यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ तो केजी में लिखेंगे ना, किसमें लिखेंगे? केजी में। अच्छा तुम्हें याद है तो एक और यूनिट होती है एनर्जी जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ध्यान समझना जो मैं ढंग से कर रहा हूँ अच्छे से देख, इधर ये डेल्टा एम है, ये क्या है? ये डेल्टा एम केजी में और ये किसमें? तो ये जूल है। तो ये क्या है? जूल। असल में अपन लिखे तो ऐसे लिखना चाहिए इसको केजी, कहां गया कहां गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अब हम ये चाहते हैं कि ये जो असल में जूल है, क्या है? जूल है। क्या है? जूल। मतलब अपन इधर की एनर्जी अगर अपन देखें तो डेल्टा एम की जब ये एनर्जी आ रही है जूल में आ रही है। अब डेल्टा एम को तो रखो एएमयू में। अरे डेल्टा एम ही तो केजी की यूनिट थी, इसको हम किस में रखे? एएमयू। और जूल को कन्वर्ट कर ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक नई यूनिट आएगी जिसे जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला नहीं सुना तुमने? पूरा प्रूफ करके बता दो, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से देखना, ऐसा फॉर्मूला सुना नहीं सुना? पहले देखो एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम इज इन एएमयू। यही तो है वो। अरे यार यही है डेल्टा एम सी स्क्वायर, सिर्फ हम यूनिट्स कन्वर्जन कर रहे हैं। डेल्टा एम को किसमें रख रहे हैं? किसमें रख रहे हैं? एएमयू रख रहे हैं। बोलो क्लियर? चलो पहले इसको जूल को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तेरे को याद हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली 1.6×10⁻¹⁹ जूल। तो 1 जूल इज वॉट?
यहाँ पे अगर अपन लिखें तो डेल्टा एम इंटू 9 × 10^16 वन जूल को क्या, ये जूल आया ना ये, तो इसको क्या लिखेंगे, वन जूल को 1/1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे नहीं आया, अरे सोच लो। अब डेल्टा एम किसमें है, इसको किसमें रखना है, तो 1.67 ये क्या था, 1.67 × 10^-27 केजी। अब 27 − 27 यहाँ पे, 27 यहाँ पे, चलो चमका नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ये चमका, ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो क्लियर है, गारंटीड एकदम अच्छे से एकदम क्लियर। अब डेल्टा एम मैं अभी किसमें रख रहा था, तो आंसर आ रहा था ये पूरा, मैं इसको केजी में लिखना चाहता, मल्टीप्लाई कर दू ना, तभी तो एमयू में रख पाऊंगा। आया कि नहीं आया, अरे सोच लो ना। तो एम तो अभी क्या करूंगा, डेल्टा एम इंटू देना पड़ेगा 9 × 10^16 वही कैलकुलेशन है पूरी, 10^-19 इंटू 1.67 × 10^-27 अब देख 19 27 कितना बचा, 8 पर गया, 8 और ये 1.7 ये पूरा आएगा, तो 930, सुन ध्यान देना, ये करीब करीब 900 कितना, ये थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, तो 931 के आसपास आता है, कितना आता है वो मैं बता रहा हूं आपको, 931 मतलब बेसिकली ये आएगा 9 समथिंग, वो 9.31 आएगा, कितना आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, 10^8 10^8 उसमें से 6 ले आओ तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, क्या हो गया, और वो वैल्यू आई 931.5। अरे कितनी आई, तो एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आया, जो आपको रटना है, आया यहीं से ही है, वो क्या है, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या चीज, तो यूनिट के साथ याद होना चाहिए कि मैं क्या रख रहा हूं, खाली फॉर्मूला बच रहा है, डेल्टा एम 930, अरे कहां से दे, सोच तो सही भाई, उसमें डेल्टा एम किसमें रखा जाएगा, एम किसमें रखा जाएगा, तो आपसे कैलकुलेशन एमयू में कराई जाएगी, सारी कैलकुलेशन जो दी गई होगी किसमें दी गई होगी, एमयू में दी गई होगी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला आता है, और आता है E बराबर डेल्टा एम, तो जो एनर्जी निकलती है जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, और इसको उल्टा भी कहा जाता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इंटू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज नोन एज, क्या मैं इतनी एनर्जी न्यूक्लियस को दे दूं तो क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूट सकता है, यस और नो, तो बाइंडिंग एनर्जी दोनों तरीके से सिखाई जाती है, प्रदर जो मैं बोला चमका, मास इफेक्ट क्या चीज है, हमने क्या पाया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन है, आपको पूरी कहानी खुद लिखनी है, हमने पाया कि जो थ्योरेटिकल मास था वो प्रैक्टिकल मास से ज्यादा है, ज्यादा है, उनका डिफरेंस हमने क्या बोला, मास डिफेक्ट, फिर हमने सोचा कि अस्तित्व में स्टेबिलिटी क्यों आती है न्यूक्लियस को, क्योंकि ये मास एनर्जी लेके बाहर, तो किसको स्टेबिलिटी देता है, न्यूक्लियस को, जो एनर्जी बाहर निकलती है उसकी कैलकुलेशन ये रही, अरे हाँ ना बोल, E बराबर MC² से, और जो एनर्जी निकलती है उसे क्या कहा जाता है, बाइंडिंग, वो मैं आखिरी में लिखा दूंगा, आप पहले सब कुछ अपनी भाषा में लिख डालो जो मैंने बोला। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी, और वी कैन से एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इंटू न्यूट्रॉन्स एंड इज बाइंडिंग एनर्जी। अब अपन एक बात समझे कि मान लो मैं बोलूं कि बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की, तो क्या वो स्टेबल ज्यादा है कि कम स्टेबल है, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा स्टेबल, ऐसा क्यों बोले तुम, तो ज्यादा एनर्जी लेके निकला, अरे हाँ ना बोल, हमने चेक करा पर ऐसा नहीं मिला, इस बात की कोई गारंटी कि किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल है, ऐसा कोई गारंटी, फिर सोचा अरे ऐसा होना चाहिए था, असल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी स्टेबल हमें क्या मतलब, हमारे सिस्टम में कई टाइप के मटेरियल होते हैं, जो रिएक्टिव मटेरियल्स हैं वो कम स्टेबल रिएक्टिव कर जाते हैं, ये जो डिके कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कौन स्टेबल है तभी तो डिके कर रहे हैं, स्टेबल होते तो डिके, तो हमने रिसर्च करी कि कौन स्टेबल ज्यादा है, तो ये कोई गारंटी नहीं थी कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है,
बाइंडिंग एनर्जी उसमें ज्यादा हो सकती है जिसमें ज्यादा न्यूक्लियन प्रोटॉन हो, उसकी ज्यादा हो सकती है, पर वो स्टेबल ज्यादा हो यह जरूरी स्टेबल वो ज्यादा निकला जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? लिखो, हाउ वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियसेस। हाउ वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियसेस। सवाल के रूप में लिखो, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, क्या वो ज्यादा स्टेबल? और लिखो नो। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, क्या वो ज्यादा स्टेबल? लिखो नो। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, लिखो नो। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, लिखो नो। प्रैक्टिकली वी फाउंड दैट कि वह न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। बोलो क्लियर है? जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है। मान लेते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, निम्ना से का दूसरा हमारा 24, कितनी 24, यार इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 50, कौन स्टेबल है? तो इसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल, कौन स्टेबल है? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अब मैं तेरे को बताता हूं, इस सवाल को बहुत टफ कर सकता था, ध्यान सुनना कैसे, कैलकुलेशन वाइज जो तेरे को कराया जाएगा, जो न्यूक्लियस दे देंगे, क्या दे देंगे? अब मैं बताता हूं कैसे सवाल करा था, ध्यान सुनना। तेरे को मास ऑफ न्यूट्रॉन दे देंगे, तेरे को मास ऑफ प्रोटॉन दे देंगे। देख, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बने एमयू, कितना? ये लगभग वन एमयू और ये भी लगभग वन एमयू। बोलो क्लियर? अब तेरे को क्या बोलेंगे कि मान लो, ऐसा समझ कि मैंने कोई भी सामान लिया, एक्स कुछ भी ले ले, मान ले जो तेरी इच्छा, ले लो 22, 45, कुछ भी कोई एलिमेंट है, ठीक, और ये सब तेरे को दिया है और बोला कि इसका मास ऑफ एटम या मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है। इसका मास ऑफ न्यूक्लियस आपको दिया, सपोज करो 44.96 एमयू। बोलो क्लियर? ये दे दिया और पूछ, और एक और वाई दे दिया, मान लो 41 और बोला इसका मास है 83.62 एमयू। बोलो क्लियर? अब बस पूछ दे कौन स्टेबल है, तो तुझे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या तू इनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकता है? सोच कैसे निकालेगा अपने बाइंडिंग एनर्जी? क्या ये प्रैक्टिकल मास है? क्या थ्योरेटिकल मास में से माइनस कर देंगे? कैसे थ्योरेटिकल मास है? इसमें भी कई बार वो पॉइंट्स में दिया होता है, मैंने तो ऐसे आसान लिया, वरना बोलेंगे न्यूट्रॉन का मास 1.0001 एएमयू और इसका प्रोटॉन का मास 1.0046 एएमयू। कैलकुलेशन है, डरने की जरूरत? तो आप क्या करोगे, जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है उनसे थ्योरेटिकल मास निकालोगे? क्या निकालोगे? जो सिखाया है। फिर एटम के मास में से, न्यूक्लियस के मास में माइनस करोगे, क्या डेल्टा एम आ जाएगा? तो डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे, उसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो फिर कंपेयर करोगे। अरे यार, तो ये प्योर कैलकुलेशन है और खूब सवाल है, ऐसे कमी नहीं है, मतलब खूब सवाल है, मतलब ये तो मैंने ऐसे सिखाया तुम्हें विच इज स्टेबल, बट ऐसे भी पूछ सकता हूं। अब पूछे तो 10 मिनट चाहिए सवालों को पढ़ने के लिए, और खूब मिलेंगे आपको, और ऐसे ही आते हैं,
ऐसे ही अब प्योर कैलकुलेशन है खूब मतलब भर भर के मैं करा नहीं रहा ऐसा कोई आपको आपसे होंगे भी से अगर आप मेरी बात समझ आई उसमें कोई रॉकेट साइंस मुझे सिर्फ वो वाला उतार लो बाकी याद रहना कि ऐसे सवाल आ सकते हैं जो उतारना है उतार लो उतार लिया क्या है ना तो ये तो हमने लिख लिया कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन जिसकी ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है तो हमारे पास जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उनका जो बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन और जेड का ग्राफ बनाया गया है शायद आप लोगों ने जरूर देखा होगा ये केमिस्ट्री में दिखाया गया होगा मैं भी दोबारा वही बना रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन और जेड का ग्राफ ऐसा बनाया होगा देखो सबसे स्टेबल कौन 56 Fe आयरन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन सबसे हाई स्टेबल है ये हाई स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसा ग्राफ आता है जो हमारे पास अवेलेबल है तो सबसे स्टेबल कौन सा न्यूक्लियाई है आयरन सही लिखा है ना 26 Fe 56 हाँ सही है ना तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल है अपना आयरन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है ये आपको याद होना ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और जेड का ग्राफ है जो दुनिया में पाया मतलब दुनिया में पाया जाता है उसके बारे में चर्चा लिखी गई है तो उतार याद होना चाहिए आपको कुछ तो स्टेबल उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उतनी ज्यादा अच्छा अब ऐसा समझो कि जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन हीलियम चलते हैं इस जगह पे है ना यहां जो चल रहे हैं जो लगभग लगभग इस रीजन में है वो स्टेबल है क्या है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ठीक है बट लगभग लगभग जो इस रीजन में है वो जो बहुत छोटे हैं वो भी डिसेंट स्टेबल है बट जो बहुत बड़े हैं वो काफी अनस्टेबल होते हैं कई जिनकी बड़ी एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हुई स्टेबल हुए अनस्टेबल हुए तो जो बहुत बड़े हैं वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चले गए कहां चले गए तो अपने आप को तोड़ देते हैं अपने आप को इन रिएक्शन को कहते हैं फिजन रिएक्शंस क्या कहते हैं फिजन फिजन मतलब टूट गए जो हमारे बम बम बनने के हाइड्रोजन बम मतलब अपने एटम बम वगैरह जितने भी सब बनते हैं कौन सी रिएक्शन से आ रहे हैं अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जितनी अपनी बातें कर रहे हैं जो भी अपन कर रहे हैं आप ध्यान सुनो जो दूसरी रिएक्शन से अपनी जो इधर वाली है जिनमें क्या कुछ दो छोटे मिलकर दो छोटे बड़ा बना सकते हैं क्या वो भी स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन क्या कहते हैं उसमें अपन रिएक्शन की तरफ बढ़ा दीजिए और करेंगे हमारे सन में कौन सी रिएक्शन हो रही है फ्यूजन कौन कौन मिलता है इसीलिए कहते हैं कि हमारा सन कुछ वर्षों में 10 करोड़ साल बाद की बात हो रही है कब की बात हो रही है 10 करोड़ साल लाख साल शायद ध्यान में कुछ 10 करोड़ का फिगर है जो भी है मतलब अपने तो पता नहीं कितने जन्म हो जाएंगे है कि नहीं तब की उसकी बात हो रही है तब वो मर जाएगा खैर तो वो जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं फिजन और ये होती है फ्यूजन अब जब भी कोई रिएक्शन होती है बेसिकली हम पढ़ेंगे फिजन कौन सी तो फिजन में वो कुछ डॉटर न्यूक्लियाई छोड़ता है एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और एक वो क्या करता है कुछ तो एक्स जेड ए कुछ तो छोड़ता है बाय प्लस सम कुछ भी और पार्टिकल बाय और जेड आप ऐसा मान लो कुछ दो छोड़ता है ये जेड कभी अल्फा पार्टिकल होता है कभी अपना इलेक्ट्रॉन होता है कभी पॉजिट्रॉन होता है अलग अलग रिएक्शन अल्फा डीके बीटा डीके है ना तो वो अलग अलग होता है बेरियम क्रिप्टम जैसे यूरेनियम जो होता है वो बेरियम में टूटता है और क्रिप्टम में जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शंस यूज ली जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं अच्छा जब वो टूटता है तो एनर्जी छोड़ेगा कि लेगा एनर्जी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एनर्जी तो छोड़ेगा ना एनर्जी उसको यूटिलाइज करते हैं कभी बम बनाने में कभी अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में जब हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है कहां हो रहा है हमारे फिजन रिएक्शन से वो काम कर रहा है कोई शक वाली बात नहीं है इन रिएक्शंस की दो चर्चाएं हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं अल्फा डीके बीटा डीके उनमें क्या क्या एनर्जी बाहर आ रही है कितनी बाहर आ रही है एक ये चर्चा दूसरी चर्चा है कितनी जल्दी हो रही है जिसे रेडियोएक्टिविटी कहते हैं इसी रिएक्शंस की दो चर्चाएं हैं इसी रिएक्शंस की कौन निकला कैसे निकला कितना निकला क्या उसकी एनर्जी एक चर्चा ये इस रिएक्शंस की ठीक है दूसरी चर्चा क्या कितनी जल्दी हुई अरे यार मान ले 1000 थे कितनी जल्दी जल्दी डिके हो रहे हैं 1000 में से 500 कितनी देर में लगे आप नहीं वो कौन सी स्टडी है रेडियो एक्टिविटी बोलो क्लियर है अब ये दो हिस्से हैं तो रेडियो बिल्कुल अलग हिस्सा है और ये जो मैं आपको बता रहा हूं अल्फा डीके बीटा डीके और माइनस डीके
एक अलग हिस्सा, बोलो क्लियर यार, हाँ ना बोल yes, ये अब हम पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ एक बेसिक बेसिक चर्चा करी, ऐसा 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 ऐसा, एक लेक्चर में रेडियोबिलिटी, एक लेक्चर में वो भी अपन बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो बाकी और कुछ खास बात नहीं। आज यही समाप्त, जैसे मुझे याद है आपको याद होना खत्म।